ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह के दूसरे सोमवार को मंदिर के द्वार न खुलने पर शिव भक्तों के हाथ मायूसी लगी। हर बार सुबह 3 बजे मंदिर खुलने से पहले ही भोलेनाथ के भक्त मंदिर में पहुंच जाते थे। इससे पहले पूरा दिन शिव मंदिर भोलेनाथ की जय जयकार से गूंजा रहता था। मंदिर सुबह 4 बजे खोल दिया गया, पर यहाँ मात्र 3 पुजारियों के अतिरिक्त कोई नहीं पहुँच पाया। हालांकि मंदिर के प्रांगण में हर सोमवार को हवन किया जा रहा है, वहीं कुछ एक भक्तों ने तो मंदिर के गेट पर ही फूल रखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। श्रावण मास का दूसरा सोमवार था, सुबह आरती लाइव की गई, दोपहर को भी आरती लाइव की गई। हवन जैसे सोमवार को यथावत किया गया, इसमें पुजारियों ने और मंदिर के कर्मचारियों ने ही भाग लिया। बाहर का कोई श्रद्धालु नहीं आया, काफ़ी सुनसान लग रहा था मंदिर। तो जैसे आगे भी ऐसे सोमवार को आरती सुबह और अपराह्न चलती रहेगी और हवन का कार्यक्रम भी हर सोमवार को होगा। जो भी दर्शक आरती को देखना चाहे तो सुबह 5 बजे और दोपहर 12 बजे अपने फेसबुक पे इसको देख लाइव देख सकता है। धन्यवाद। जब कर्क राशि में सूर्य आता है, कर्क राशि जल तत्व मानी गई है, तो उसमें बरसात होती है। सूर्य आता है तो सूर्य की किरणें जो थोड़ा ये हो जाती है कि बादलों की तरह से, तो बादल उसमें वर्षा करते हैं। फिर तो सूर्य जो है कर्क राशि में आने के बाद उसको कहते हैं श्रावण मास। तो इससे बहुत सी कथाएं भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो इस मास में भगवती पार्वती ने बहुत तपस्या की थी, श्रावण और भादु मास में। इससे आगे एक हरिताल का व्रत आता है श्रावण के बाद। तो इन 2 मासों में पार्वती ने पत्ते बेल पत्ते आदि खाकर भगवत शिव की आराधना की थी। उन्होंने बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उन्होंने नाना प्रकार के पत्र पुष्पों से पूजा की थी, क्योंकि जंगल में पार्वती कुछ मिलता तो था नहीं वहाँ पर, तो उससे पत्र बेल पत्तों से पूजा करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनका आधांग पाया था, अर्धांगनी उनकी वास्तविक उनकी अर्धांगनी बनी थी भगवती पार्वती। तो श्रावण मास का वैसे ही महत्व है, जिनके घर में संतान नहीं होती है या उनको कोई प्रॉब्लम है या घर में कोई समस्या है, तो वो बालू की मिट्टी का 108 शिवलिंग बनाए और उसमें थोड़ा सा जलेरी बनाए और सांप बनाए और उसका पूजन करके पंचामृत से स्नान करके बिलपत्र भीम भंग विज्या और उसके नाना प्रकार के रसों से भी कर सकते हैं आप, जैसा भी हो सकता है। तो उसका अभिषेक करें, पूजन करें, तो जो घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भैरव मंदिर में या किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, तो घर में भी बालू की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। उसके पूजन करने से 1 महीने का ये अनुष्ठान होता है, तो उस अनुष्ठान करने से जो आपकी इच्छा होगी, पति जो जिसका शादी नहीं हुई है पति प्राप्त करने के लिए पति प्राप्त हो जाएगा, अगर वो संतान चाहती है तो संतति हो जाएगी, अगर उसके मतलब पति की दीर्घायु चाहती है तो पति की दीर्घायु कामना से भी कर सकती है और एक अच्छा वर भी प्राप्त कर सकती है। आपको कैसा लगा श्रावण मास? इस बार पब्लिक नहीं आ रही है तो आप श्रावण मास क्या कहूँ मैं कि अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि सुना सुना है सब, भगवान भी सुने पड़े हुए हैं। तो 2-3 आदमी होते हैं आरती करते हैं, ना कोई श्रद्धालु आता है ना कोई व्यक्ति विशेष होता है, तो केवल एक पुजारी होता है, 1-2 आदमी सिक्योरिटी के होते हैं, वो घंटी बजा कर आरती करते हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन समय के अनुसार ऐसा करना पड़ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट।